तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे मोनेटाइजेशन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल था वो हो चुका था मोनेटाइज 3 अगस्त 2019 को। तो आप तक ये वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाया, तो इसके पीछे की वजह मैं आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट में। इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि जब आर्टिकल 370 और 35A को यहाँ से रिमूव किया गया, तो इंटरनेट सर्विसेज को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया यहाँ पे, और साथ में जो हमारी मोबाइल वॉइस कॉल सर्विसेज थी उसको भी बैन कर दिया। हालांकि जो मोबाइल कॉल्स थी उसको बाद में इनेबल कर दिया गया, लेकिन इंटरनेट को बैन का बैन ही रहने दिया गया। मेरा चैनल जो था वो 2 बार अंडर रिव्यू में जाने के बाद मोनेटाइज नहीं हुआ था, 3री बार मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो इसके पीछे की मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ। अगर आप भी YouTube पे काम करना चाहते हैं, YouTube से अर्निंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप YouTube पे काम करना चाहते हैं तो आप कभी भी ये गलती ना करें, किसी का वीडियो YouTube पे अपलोड ना करें जो पहले से अपलोडेड हो, तो उसको रीअपलोड ना करें। और दूसरी आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो WhatsApp पे स्टेटस आते हैं उनको भी कभी YouTube पे अपलोड मत किया करें, और साथ में जो TikTok वाली वीडियो उनको भी YouTube पे अपलोड ना करें। और एक बात का ध्यान रखें, अगर आप भी YouTube पे काम करना चाहते हैं तो खास करके अपनी फेस वीडियोस बनाने की कोशिश करें, जिसमें ज़्यादा आपकी फेस वीडियोस रहेंगी तो उतना जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। तो अगर जो जो ये मैंने बातें की, अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते तो आपका चैनल फटक से मोनेटाइज हो जाएगा, वरना ऐसा होगा जैसा मेरे साथ हुआ था वैसा ही होगा। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोज़ थी जो मैंने इधर उधर से उठा के अपलोड की हुई थी, तो उसमें हुआ क्या, मुझे ऐसा हुआ कि एक तो मुझे स्ट्राइक आई थी, एक तो स्ट्राइक तो 3 महीने के बाद रिमूव हो जाती है। तो दूसरा कारण ये था, बहुत सारी ऐसी वीडियोज थी जो मैंने कॉपीराइटेड वीडियो उठाई थी तो उन पर, और एक और ये रीज़न था कि मेरी कोई फेस वीडियो नहीं थी। तो जैसे मेरा 2 बार मोनेटाइज नहीं हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूँ कुछ इस तरह का ही मेल आता है, मैं आपको साइड पर दिखाने की कोशिश करूँ, इस तरह का मेल आता है। ये मुझे मेल आया जब अप्लाई किया तो बहुत बड़ा दुख हुआ। उसके बाद मुझे 30 दिनों का वो टाइम दिया गया, तो 30 दिनों के टाइम में मैंने, जब 30 दिन का टाइम मेरा पूरा हुआ, तो उसके बाद जब मैंने मोनेटाइजेशन के लिए फिर से अप्लाई किया, तो फिर से मेरा कुछ 7-8-10 दिन के बाद एक और मेल आ जाता है कि आपके चैनल को फिर से मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसी सारी वीडियोज़ थी व्हाट्सएप स्टेटस थे जो मैंने डाले हुए थे। तो फिर मैंने ऐसा किया, जितनी भी मेरे पास जो मैंने बाहर से वीडियो डाली हुई थी उन सब वीडियोस को मैंने डिलीट किया, और जो अपनी जेन्युइन वीडियो थी, जो अपने कंटेंट थे उनको रखा, और साथ में मैंने फेस वीडियोस बनाना शुरू की। तो फेस वीडियोस मैंने कोई 1-2 ही वीडियोस बनाई हुई थी, तो 30 दिन जब मेरे दोबारा फिर से कम्प्लीट हुए, तो 30 दिनों के बाद फिर से मुझे मौका मिला मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने का। तो फिर से मैंने दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, तो जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरा 3 दिन के अंदर चैनल मोनेटाइज हो गया 3 अगस्त 2019 को। तो अगर आप भी काम करना चाहते हो तो फेस वीडियोज बनाएं, किसी के फेक वीडियोज ना डालें, और टिकटॉक वायरल ये जो भी चलती है आजकल वीडियो, इनको कभी भी यूट्यूब पर अपलोड ना करें, अपना कोई जेन्युइन कंटेंट बनाएं, तो उसके चलते आपके चैनल पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आपका जल्दी से मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो इसी के चलते वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपसे लूँगा इजाज़त। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस टाइम जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, ऐसा हर किसी को फील होता है। जब आप भी अगर YouTube पे काम करते हैं, अगर आपका भी जब ऐसा होगा तो आपको बहुत खुशी फील होगी। और आपको मैं साथ में एक और बात बताना चाहूँगा, ये साइड पे मेल, जब चैनल मोनेटाइज होता है तो तब इस तरह का YouTube की तरफ से एक मेल आता है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा साइड पे। तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।